अब जरा बात होगी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी विधायक दल की बैठक आज हुई है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपको बताना चाहेंगे हरियाणा के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत जुटाया, 48 सीटें अपने नाम की, जो ना 2014 में हुआ था और ना ही 2019 में हुआ था, लेकिन 2024 में करके दिखाया। एक एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी भारी मात्रा में यहां से जीती है। तो बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में अमित शाह और एमपी सीएम मोहन यादव शामिल होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, यानी कल। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोहर लगाएंगे। पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी ने आज विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल वडौली ने पार्टी के सभी विधायकों को 16 और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर इतनी देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह क्यों हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा जो पिछले 6 या 7 महीनों से था, या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जाएगा? कोई भी बड़ी यहां पर गतिविधि हो सकती है। इस वक्त संदीप गोयल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, एक तो देरी हो गई काफी ज्यादा शपथ ग्रहण को, हालांकि पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है, कोई खतरा नहीं है, इसलिए बीजेपी समय भी ले रही है, कोई चिंता का विषय नहीं है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण का जो प्रक्रिया है वो चलेगी। आज विधायक दल की बैठक है, कौन कौन इसमें आएगा और क्या लगता है कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा? शीतल, बिल्कुल, देखिए देरी हो रही है, लेकिन देरी की वजह मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है और मंत्रिमंडल में कौन कौन जो है विधायक शामिल कराए जाएंगे, ये भी एक बात है। उसी को जो है ठीक तरीके से किया जा सके, इसको लेकर खुद अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यादव, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सीधा सा एक बात सामने निकल कर आ रही है कि क्या फिर से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जो चुनाव था वो मुख्यमंत्री के नाम जो है नायब सिंह सैनी के लिए लड़ा गया, लेकिन जिस तरह से स्थिति हमने पिछले दिनों देखी, कई ऐसे बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने आप को शामिल कर रहे थे और कह रहे थे अनिल विज भी कि मैं सीनियर लीडर हूं और मुख्यमंत्री मेरे को होना चाहिए, बिल्कुल, साथ ही राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर अन्य जो बड़े लीडर हो वो भी इस दौड़ में अपने आप को शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आज जो बैठक हो रही है उसमें कैसे अमित शाह एक जो संदेश देकर जाएंगे या फिर एक जो निर्देश देकर जाएंगे उसको मानना होगा, और किस चेहरे पर जो है मुख्यमंत्री हरियाणा को बैठाना होगा, ये भी आज की बैठक में फाइनल हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा मुख्य उप मुख्यमंत्री पद भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इस बार ये कहा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री हरियाणा में बनाने की बातें सामने आ रही थी, और साथ ही जो बड़े चेहरे हैं जिनको साधने का प्रयास किया जाएगा उनको मंत्री दिया जाएगा, और मंत्री पद देने के साथ साथ कौन से विभाग देने जाएंगे एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार जो पुराने मंत्री रहे, पुराने विधायक रहे, उनकी टिकट काट दी गई थी और नए चेहरों को जो है पार्टी ने मौका दिया। तो ऐसे में बड़े ही सूझबूझ के साथ पार्टी को आगे चलना होगा, और उन्हीं स्थिति में आज की बैठक नजर आएगी। 16-17 तारीख को सभी विधायकों को जो है निर्देश दिए गए थे कि चंडीगढ़ पहुंचे, और चंडीगढ़ में आज सभी विधायक बीजेपी के मौजूद होंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह होनी है। तो संदीप, ऐसी संभावना है कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि अनिल विज ने भी अपना मुख्यमंत्री होने का दावा पेश किया था कि मैं भी सीनियर लीडर हूं, 6 बार का विधायक हूं, मुझे भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या एक गुटबाजी नजर आ सकती है या क्लीन तौर पर यह हो जाएगा? सीधल, बहुत कठिन है रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर बीजेपी के जो अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए, लेकिन इसी को आसान करने के लिए अमित शाह जब पहुंचेंगे तो उनकी बात को काटने का दम किसी में नहीं है। ऐसे में जो वो फैसला होगा तो पूर्ण तरह से जो है साबित होगा, और ऐसे में विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसमें सभी विधायक मौजूद होंगे और एक मत से जिस मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। तो इसी के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जो है हरियाणा पहुंच रहे हैं और विधायक दल की बैठक में फैसला लेने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि हालांकि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ नायब सिंह सैनी के नाम की बातें आ रही हैं, लेकिन
कहा यह भी जाता है कि बीजेपी कब मुख्यमंत्री दल दे, कब नए चेहरे को मौका दे दे, ये बहुत जो है आम बात है। हमने देखा राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो स्थिति में रहे, नए नाम मुख्यमंत्री के निकल कर सामने आए, तो ऐसे में हरियाणा से भी अगर कोई नाम निकल जाता है तो कोई अमूमन बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अभी ठीक हाल है, फिलहाल में यही कहा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बहुत ये बहुत शुक्रिया जानकारी संदीप ये साझा करने के लिए, जानकारी। हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। देखिए किस तरह से हरियाणा के अंदर अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है, मुख्यमंत्री को लेकर, मंत्रियों को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर।